हेलो एवरीवन गुड इवनिंग यू ऑल राम राम काल केम छो सब के सब कैसे हो सारे बंदर बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं <coughs> बहुत सारे ओ एक हजार बच्चा करीबन वेट कर रहा है सॉरी मोनिका पवारिया आ चुके हैं ओके आरजू कैलिफोर्निया सुनील सिंह वेरी गुड मनीषा अनुराग शालू शिवपाल मोनिका अंकित सिन्हा हाँ भाई बाकी सब किधर है बाकी सब किधर है आज मॉक सेशन है आपको पता है जुगेंद्र आ चुके हैं जुगेंद्र आज ही कोई लग रहा है नया चेहरा जुड़ा हुआ है जुगेंद्र जी है ना ये आते हो रोज हो सकता है मैंने नोटिस ना किया हो नॉलेज गेन आ चुके हैं ओके जी विनय कुमार अनुराग बाकी सब किधर रह गए और बाकी सब किधर है फटाफट एक बार एक काम करो सेशन को शेयर मार दो जहाँ जहाँ आप प्रॉपर रोजाना बताते हो है ना क्योंकि बाकी लोगों के छह नहीं बजे ना उनके भी छह बजा दो क्योंकि आज लेके आए हाइड्रोकार्बन्स का और उससे रिलेटेड जो मिलते जुलते टॉपिक हैं, उनका एक छोटा सा मॉक सेशन लेके आई हूँ ठीक है हाँ भाई आ गए सबके अभिषेक कुमार आ चुके अभिषेक बीच में कहा गायब हो गए थे हाँ बीच में कहाँ गायब हो जाते हो सो गायब होना अलाउ नहीं है ठीक <laughs> है राजीव कुमार अभिषेक कुमार वर्मा अमीशा पटेल आ चुके हैं और कोई बचा भाई बॉलीवुड से ऋचा <laughs> वर्मा आ चुके हैं शुभम शुक्ला शुभ संध्या भाई गॉड ब्लेस यू सुशील कुमार कह रहे हैं मैडम मैम का लाडला गॉड ब्लेस यू ऑल आर माई लॉर्ड लाडलाज हाँ जी रेडी uh, क्या कह रहे हैं रेडी संजीव माधव शाक्य वर्धन होप आपका सबका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस चल रहा है और YouTube की क्लासेस लेने के बाद अपने आप भी चीजों को आप आजमा रहे हो और एक चीज तुम्हें मैं बता दूं अपने आप को एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जब आपने अगर शुरुआत की थी सपोज मेरे सब्जेक्ट में और आप बिल्कुल शून्य से थे या मान लो थोड़ा बहुत नॉलेज थी लेकिन अब पहले से काफी काफ़ी बेटर परफॉर्म करने लग गए हो अगर आपका ऐसा अनुभव है तो बिलीव मी कि तुम्हारी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कर सकते हो ठीक है तो अपनी पीठ थपथपाना और खुद को मोटिवेट करना सीखो है ना पहले स्कूल के टाइम में बचपन में हम लोगों को क्या कराई जाती थी एक प्रेयर कराई जाती थी हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें तो अब उनकी मीनिंग समझो क्योंकि आजकल दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको खुद की जय करना पहले खुद सीखना पड़ेगा मैं ओवर कॉन्फिडेंस होने के लिए नहीं बोल रही हूं बट हां ऐसे समय में जब दुनिया का आप पर से विश्वास उठ जाए तो खुद पर विश्वास करना बच्चा सीखो क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे इमारतों को घिरते देखा है ठीक है तो खैर एनीवेज और सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट वाला ये कि कल शाम को छह बजे भोकाल सीरीज टू लेके आ रही हूं तो सारे के सारे यही मिलना और इसके अलावा जिन जो बच्चे रेगुलर नहीं आ पाते उनको भी मेरे मेरी तरफ से बोलना कि मैम ने बुलाया है चलो ठीक है तो भोकॉल सीरीज टू में जितने भी क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं चाहती हूं वो आपके कॉपी में हो और परसों संडे वाले दिन तीन बजे से लगातार दो घंटे का एक रिवीजन सेशन है तो उसमें भी मुझे आप सबके चेहरे चाहिए ठीक है सीएचएसएल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं क्योंकि सीएचएसएल का लेवल हालांकि टारगेटेड सेशन वो सीएचएसएल का है बट वो लेवल एक लगभग वन डे एग्जाम का वो ऐसा लेवल है कि वो ऑलमोस्ट डेली पुलिस एन में भी बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हो सेशन को एनीवेज तो फटाफट आते हैं भाई पहला सेशन पहला क्वेश्चन देखिए आपका ठीक है आज मेगा मॉक है क्वेश्चन सारे के सारे करने की कोशिश करो बेटा और नहीं हो पाते हैं तो समझ के और उनको नोट करना आप ठीक है इट्स माय ऑर्डर विच ऑफ द ग्लास टू मेक सनग्लास एग्जाम आपसे कई बार पूछ चुका है कि बताओ इनमें से किस कांच का प्रयोग पायरेक्स का प्रयोग क्रूक्स का प्रयोग इनमें से किस कांच का प्रयोग धूप के चश्मे बनाने के लिए किया जाता है इनमें से किस कांच का प्रयोग धूप के चश्मे आदि बनाने के लिए किया जाता है तो कौन सा कांच होता है पायरेक्स होता है होता 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 है होता है बोरेक्स होता है फ्लिंट बोरेक्स जल्दी जल्दी आंसर दो वेरी गुड हाँ। आशुतोष कह रहे हैं कोई बताओ मेरा कमेंट शो हो रहा है नहीं कोई भाई नहीं बताएगा बहन जी तुम्हें इधर से बता नहीं तुम्हारा कमेंट शो हो रहा है फटाफट आंसर दो आशुतोष ठीक है मोहम्मद अंसारी आ चुके हैं सलमानी जी बफरिंग बफरिंग तो नहीं हो रहा बेटा अपनी तरफ नेट देखो सत्यवीर सुशील कुमार वेरी गुड आंसर दो अश्वनी आरवी रितु गौरव

आ रही है अभी आवाज आ रही है हाँ जी बेटा अभी आ रही है सॉरी यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड इधर से देखो अभी अभी प्रॉपर आ रही आवाज हाँ अभी आ रही है शिवम कह रहे हैं थैंक गॉड देख लिया ठीक है रिंकू अभी आ रहा है प्रॉपर जल्दी से मेरे को बताओ आ रही है थैंक यू सो मच अभी आई ठीक है ओके मुन्नू अखिलेश माय गॉड यार मजा किरकिरा हो जाता है ऐसे तो हां अभी तो दिक्कत नहीं है ओके थोड़ा इशू नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं छूट दो एक क्वेश्चन अभी हमने ज्यादा नहीं दो ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे तो बेटा हम आपको बता रहे थे क्या कि अगर आपसे धूप के चश्मे का क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको बता रही थी कौन सा ग्लास याद रखो यूवी प्रोटेक्शन के लिए क्या याद रखोगे यूवी प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज होता है पराबैगनी किरणों से संरक्षण करता है हमारा कौन सा क्रक्स कांच और मैंने आपको बताया था पायरेक्स कांच का प्रयोग नजर के चश्मे बनाने के लिए किया जाता है नजर के चश्मे अगर आपसे पूछता है मतलब नजर मैं जो लगाई हूं ये रजर का नजर का चश्मा ये धूप का चश्मा नहीं है समझ में आ गई होगी तुम्हें है ना तो पायरेक्स कांच वगैरह नॉर्मल नजर के चश्मे वगैरह बनाए जाते हैं तो याद रखो में टेस्ट ट्यूब वगैरह बनाई जाती है या लैब में जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं लैब में इसके अलावा अगर आपसे बल्ब का क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्लिंट कांच को याद रखिएगा बोरेक्स कांच की अगर हम बात करते हैं ये भवन निर्माण सामग्री के लिए जाना जाता है हार्ड कांच होता है और इसकी कटिंग में आपको बता रही थी कि याद रखो ब्लैक डायमंड से करते हैं जिसको बोर्ड के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं बोर्ड के नाम से तो ये कुछ अटैच क्वेश्चन है याद रखिएगा बोरेक्स कांच इट इज द हार्डेस्ट ग्लास इस तरीके से याद रखिए इसे कठोरतम कांच के रूप में एग्जाम कई बार पूछ चुका है भवन निर्माण सामग्री में किसका बिल्डिंग बनती है ग्लास बिल्डिंग तो वहां पर यूज होता है ठीक है और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन बेटा यहां पर रिपीट हुआ था देखिए जरा थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन विच ग्लास इज यूज टू मेक बल्ब लैब इक्विपमेंट्स तो आंसर है यहां पर फ्लिंट कांच ठीक है कुछ खास नहीं छूटा सॉरी मैं थोड़ा सा देख नहीं पाई और हमारे एडिटर मिया अभी थोड़े से व्यस्त थे चलो इधर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूस टू मेक पावर फ्यूअल पावर फ्यूअल या जिसे शक्ति ईंधन के नाम से क्वेश्चन बनेगा ये क्या होता है तो याद रखो गैसो हॉल को बोलते हैं पावर फ्यूअल क्या होता है पहले तो यही समझो फिर हम तुम्हें तो समझाते हैं इधर देखो गैसो हॉल हिंदी मीडियम आपको भी गैसो हॉल के नाम से याद रखना है ये गैसो हॉल क्या होता है तीन हिस्सा पेट्रोलियम और एक हिस्सा एल्कोहल और एक हिस्सा एल्कोहल ये तीन अनुपात एक के अनुपात में जब मिलाया जाता है याद रखिएगा तीन अनुपात एक अक्सर यही रेशियो होता है जिसको हम गैसोहॉल के नाम से जानते हैं ये क्या होता है अच्छा होता है खराब होता है क्या होता है तो अब आप सिंपल से लैंग्वेज में समझो कई बार पेट्रोल में जब मिलावट की जाती है तो उसकी जगह पर गैसोहॉल दे दिया जाता है प्योर चार हिस्सा पेट्रोल की जगह तीन हिस्सा पेट्रोल और एक हिस्सा क्या कर दिया एक हिस्सा हमने मिला दिया एल्कोहल ऐसा करने से क्या होता है ऐसा करने से प्योर पेट्रोल महंगा पड़ता है गैसोहॉल में जब हम अल्कोहल यूज करते हैं वन पार्ट तो वो सस्ता पड़ता है आपको दे दिया जाता है गैसोहॉल बताया जाता है पेट्रोलियम प्योर हालांकि ये कैसा है हमारी अगर हम बात करते हैं कि आउटपुट के बेस से कैसा है तो ऐसे समझो इसको शक्ति ईंधन इसलिए बोला जाता है इससे गाड़ी की कैपेसिटी तो बढ़ती है अगर हम बात करें माइलेज या कह सकते हो एग्जांपल के तौर पे हमारी परफॉर्मेंस गाड़ी की वो तो बढ़ती है लेकिन एल्कोहल है और लोहे की अंदर इंजन ये अंदर ही अंदर कोरोड कर देता है समझ में आ रही है मेरी बात तो अंदर ही अंदर ये कोरोड करने का काम करेगा जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल ठीक है फिलहाल गैसोहल को शक्ति ईंधन के नाम से जाना जाता है और शक्ति ईंधन में पेट्रोल के संग क्या मिलाया जाता है आंसर होगा एल्कोहल क्या होगा आंसर एल्कोहल इज द राइट आंसर वेरी गुड एल्कोहल हिमांशु देवेंद्र वेरी गुड उज्जवल उपाध्याय नित्या हरियाणा प्रवीण नीरज वेरी गुड बहुत सही जा रहे हो ठीक हाँ, है तो गैसोहॉल शक्ति ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है ऐसे याद रखिएगा चुका है अगला क्वेश्चन से किसे एक तरीके से किसके तौर पर यूज किया जा सकता है दवा के तौर पर प्रयोग एंटीसेप्टिक आउटर रही हूं किसके ऊपर क्या यूज कर सकते क्यों <coughs> सपोज बाइक चलाते चलाते घिसट गई <laughs> एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम डेटॉल यूज़ करते हैं, रितिका विकास आदित्य राव अमन मिस वंदना बेटा आंसर दो वेरी गुड बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे देखो एल्कोहल पहुंच गए हाँ ठीक है ओके रश्मि देखो आंसर दो तो याद रखो एल्कोहल एल्कोहल हो एसीटोन हो ये दोनों यूज किए जा सकते हैं क्या किस तौर पर किस तौर पर ये आउटर वुंड के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं बाहरी घाव के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं कैसे बाहरी घाव के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तुम अब मेरे से और पूछो तो मैं कहूंगी एक रिसेंटली मूवी आई थी कबीर क्या आई थी कबीर सिंह के नाम से मूवी आई थी उसमें भी एक सीन था जिसमें वो एल्कोहल खैर वो मैं तुम्हें एक मजाकी अंदाज में समझा रही एल्कोहल अगर नहीं होता तो याद रखो एसीटोन कौ मैम एसीटोन क्यों नेल पेंट रिमूवर नहीं समझ में आया डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो पहले रब करता है और फिर इंजेक्शन लगाता है क्यों किसका इंजेक्शन लगाता है इसी नेल पेंट रिमूवर या एसीटोन का इंजेक्शन लगाता है मैं आपको कहां से समझाने का प्रयास कर रही हूं तो मैं समझ में आया नहीं आया ऐसे समझो बाहरी घाव के ऊपर एल्कोहल कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने से रोक, रोकता है है ना और एसीटोन टिटनेस होने से रोकता है जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से लोहे से चोट लगने के बाद जो चांसेस होते हैं और वही कारण है कि डॉक्टर रबिंग एल्कोहल के तौर पर इसको कई बार यूज करते हैं यहाँ से बेटा अगर क्वेश्चन बनेगा आपका तो रबिंग एल्कोहल का क्वेश्चन बनेगा समझने का प्रयास करो रटो मत इसे रबिंग एल्कोहल इसीलिए बोला जाता है पेंट रिमूवर को बिकॉज लोहे की सुई से इंजेक्शन लगाने के बाद कई बार जो खून निकल आता है उससे चांसेस होते हैं के तो यहां पर फिलहाल आप याद रखो alcohol और आ, acetone, ये दोनों में से कोई भी हो सकता था सही आंसर होता विच पॉलिटेन टेक्स प्लेस बाई लाइटनिंग इन एटमोस्फियर इनमें से कौन वातावरण में बिजली चमकने के दौरान अभिक्रिया करके बनता है बताओ भाई हाँ क्या बोला कतई <laughs> हाँ बताओ बताओ आंसर दो वेरी गुड बर्थडे के खाने आना आपको। नीरज जी को बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं ईश्वर आपको बहुत सारी तरक्की दे गॉड ब्लेस यू नीरज देखो हिमांशी त्रिपाठी वेरी गुड हिमांशी पंजाबी मेरे को नहीं आती हिंदी में लिखो <laughs> हिमांशु लिख रहे हैं सॉरी राव साहब हाँ बेख्याली में भी थी <laughs> ऐसे थोड़ी ना होता है देखो मैं बताऊ बेखयाली में भी तेरा ही आए <laughs> <एसी> ऐसे होता है <laughs> ठीक है ऐसे नहीं गाते हैं केमिस्ट्री क्लास में चलो इधर हाँ <laughs> चलो अगला क्वेश्चन देखो ओके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर चलो मौज तुम लोग बहुत मार लेते हो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो कि जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करती है नाइट्रोजन वातावरण में वाकई में अधिक मात्रा में पाई जाती है वातावरण में प्रचुर मात्रा में प्राप्त गैसों में काउंट होती है कौन नाइट्रोजन बट क्योंकि ये बहुत जल्दी अभिक्रिया कर नहीं करती है है ना तो इस वजह से ऐसे समझो ये एक निम्न क्रियाशील गैसों में काउंट होती है नाइट्रोजन तो ये कब रिएक्शन करती है जब नाइट्रोजन को काफी हाई टेम्परेचर मिलता है एटमॉस्फेयर में और वो मिलता है बिजली बिजली जब काफी तेज चमकती है तो तब नाइट्रोजन क्या बनाती है नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे यौगिक बनाती है ठीक है तो यहां पर सही आंसर होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थैंक यू सो मच चलो नाइट्रोजन इन इमेजिन करो प्रैक्टिकली कि अगर नाइट्रोजन इतनी जल्दी जल्दी रिएक्शन करती तो नाइट्रोजन तो 78 परसेंट है एटमोसफेयर में फिर सेकेंडरी लेवल पे सबसे ज्यादा कौन होता है एटमोसफेयर में इसी के कंपाउंड होते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें सबसे ज्यादा मिलती फिर सेकेंडरी लेवल पे एटमोस्फेयर में एक तरीके से प्रदूषक सबसे ज्यादा होते लेकिन नाइट्रोजन को रिएक्शन के लिए काफी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और वो बिजली चमकने पर इसको एटमॉस्फेयर में मिलता है नाइट वॉर्म ग्लोज इन नाइट्स बिकॉज ऑफ जुगनू रात में जो चमकते हैं वो इनमें से किसके कारण चमकते हैं ये थोड़ा सा बायो से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है आंसर देने का प्रयास करिए महेश ज्योति कुमारी मोहिनी रश्मि अवधेश सुमित कुमार यतेन्द्र जलनामीना कतई जहर पढ़ावे हो मैडम जी थैंक यू सो मच जलराम जी कुमार वीनस थैंक यू सो मच नैतिक हुसैन आंसर दो आ गए लेट हो गए आज नैतिक ऋषिका वेरी गुड हिमांशु त्रिपाठी ओके थैंक यू सो मच चलो <laughs> देखो नाइट वॉर्म ग्लोज याद रखो जुगनू ही नहीं रात में अगर आप जंगल वगैरह या थोड़े से वैसे कैंटोनमेंट एरिया में जाते हो कैंटोनमेंट एरिया में तो आप देखते हो कि बहुत सारे कीड़े चमकते हैं अंधेरे में ऐसा क्यों होता है है उनमें एक प्रकार का रसायन पाया जाता है। ऐसे समझो कीड़े के उधर वाले भाग में स्पेशली ये किन के अंदर कैटेगरी क्वालिटी होती है ये मेल्स में कैटेगरी होती है एक तरीके से ये मेल्स में क्वालिटी होती है क्या कि ये अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं ल्यूसी की वजह से इनके इस ऐसे समझो धड़ भाग में एक रसायन एक तरीके का कह सकते हो एक तरीके का बॉडी में ही एक तरीके का रसायन होता है जिसको ल्यूसीफेरिन के नाम से हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं ल्यूसीफेरिन के नाम से जाना जाता है इसको याद रखिएगा ये थोड़ा सा बायो से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है आपका आ गया यहां पर मैंने डाल दिया आज ठीक है ल्यूसी एक हारमोन टाइप का होता है तो रात में उनके चमकने का कारण क्या होता है उनके धड़ भाग में और कौन चमकता है ये मादा नहीं नर में चमकने का कैपेसिटी होती है तो याद रखिएगा रात में जुगनू अथवा जुगनू के समान जो कीड़े चमकते हैं उनके अंदर चमकने का कारण ल्यूसी का होना होता है याद रखिएगा और इसको बोलते क्या है सुनो एक चीज ये भी नोट कर लो यहीं पर अगर आपसे पूछे इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा इसको बायोल्यूमिनिशेंस के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है जस्ट अ मिनट हाँ, अगर आपसे पूछे इसे किस नाम से जाना जाता है तो याद रखो बायोल्यूमिनिशेंस के नाम से जाना जाता है ठीक है यहां से क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा तो याद रखिए इसे बायोल्यूमिनिशेंस या जैव रसायनीकरण के नाम से जाना जाता है इस तरीके से याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए पेडी फील्ड आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर धान के खेत धान के खेत इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक उत्पन्न करते हैं नीरज पांडे मैम आप कहां से हो बेटा बताएंगे तुम्हें पूरा एड्रेस ठीक है घर पे आना आप तुम्हें क्वेश्चन का आंसर दो नीरज आ, <laughs> राम रहीम कह रहे हैं पट भिजना कहते हैं मैम इसको हमारे यहां अच्छा जी ओके दीपक राजीव कृष्णा शोभित दीपक वेरी गुड आंसर दो जितेंद्र रश्मि पिताम्बरा दीपचंद मौर्य वेरी गुड बायोल्यूमिन वेरी गुड चंद ने आंसर दिया है। मोहित प्रजापति, चलो गॉड ब्लेस so क्या है क्वेश्चन धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी तुम धान के खेतों को गोली मारो तो मार्शी एरिया को याद रखो किसको याद रखना है बेटा तुम्हें तुम्हें मार्शी एरिया को याद रखना है आपको दलदले स्थान याद रखने है. स्थान को याद रखना है। मैडम कैसे चले एक बात बताओ धान के मतलब चावल की खेती में पानी अच्छे से लगता है चावल के खेत पानी से ऊपर तक भर दिए जाते हैं और पानी भरे भरे वो खेत एक तरीके एक कुछ समय बाद एक तरीके से दलदला स्थान हो जाता है और मैंने आपको मेथेन के बारे में अगर पढ़ाया है तो ठीक है नहीं तो आप सुनो मेरी बात तुम ध्यान से क्या कि मेथेन को मार्श गैस के नाम से इसीलिए बुलाया जाता है कि हर गीली गंदगी में मेथेन पाई जाएगी गोबर अगर सेंस को समझो तुम इस क्वेश्चन को बचाने अब तो मेरी बात समझो कहीं पर भी अगर गीली गंदगी का क्वेश्चन बन रहा है नाले की सफाई करने के लिए या सीवर टैंक की सफाई करने के लिए मजदूर को उतारा जाता है और कौन सी विशैली गैस उसकी जान ले लेती है आंसर होगा मेथेन जहां गीली गंदगी बन रही है वहां पर मेथेन मार्शी एरिया में मार्श गैस का मिलना एक कॉमन सी चीज है तो मार्श गैस के नाम से मार्श बोला जाता है दलदल स्थान को चावल के खेत पानी से भर दिए जाते हैं मार्शी एरिया बन गया है मार्श गैस निकलेगी नाम है मेथेन क्या नाम है मेथेन तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका सी एच फोर याद रखोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा एक काम करो मेथेन को यहां से एक बार नोट कर लो तुम एक काम करो यहां से क्वेश्चन को नोट कर लो सुनो अगर मेथेन का क्वेश्चन आपसे बनेगा सुनो इससे बाहर नहीं जाएगा मेथेन का अगर तुमसे क्वेश्चन बच्चा बनता है कॉपी खोलो और नोट करने का प्रयास करो थोड़ा सा एग्जाम आपसे पूछेगा मार्श गैस किसका दूसरा नाम है तो एक पुराना क्वेश्चन मार्श गैस का बनेगा सीएनजी का मुख्य घटक बताओ तो सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन है पीएनजी का मुख्य घटक बताओ पीएनजी जिसको पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है अक्सर आपके घरों में पाइप के माध्यम से सप्लाई की जाती है कि खाना बना लो इससे एलपीजी के स्थान पर कई बार हमारे यहां अगर सप्लाई वाली गैस है पाइप वाली गैस के पाइप पड़े होते हैं सड़कों पे तुमने सुना होगा तो इसे पाइप्ड क्या बोलेंगे फॉर्म बोलो मेरे साथ पाइप नेचुरल गैस पूछेगा ठीक है CNG, compressed natural gas. This is piped natural गैस मेन component methane. आपसे अगर एग्जाम पूछे कि धान के खेतों में निकलने वाली गैस बताओ तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा और मेथेन के बारे में आपसे क्या पूछेगा एग्जाम आपसे पूछेगा सीवर टैंक की जगह सीवर या सेफ्टी पाइप जिनको हम बोलते हैं है ना तो सीवर टैंक से निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी है मैं शॉर्ट में लिख रही हूं आपको लॉन्ग में लिखना है प्रॉपर तरीके से नोट्स में बना के ठीक है निकलने वाली गैस कौन है मेथेन है ठीक है इसी प्रकार से अगर तुमसे पूछे मेथेन का क्वेश्चन गोबर गैस अथवा बायोगैस के नाम से किसे जाना जाता है तो इसे गोबर गैस अथवा जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है हिंदी मीडियम बायोगैस का मतलब जैव गैस गोबर गीला गोबर गांव में सारे पशुओं का कलेक्ट किया गड्ढे में भरा और सड़ाना शुरू गेटिंग माई पॉइंट तो गीली गंदगी नहीं बन गई मार्शी एरिया बन गया हो गई मेथेन इस तरीके से याद रखो ठीक है तो यहां से आपका मेथेन को आप पहले इतने एंगल से याद करो और बताऊं एक क्वेश्चन याद रखो कोयले की खान में धीमे धीमे रिसने वाली गैस कौन सी है तो यहां पर लिख सकते हो कि एक कोल माइन में हिंदी मीडियम आप लिखो कोयले की खान में मैं चलो मैं ही लिख देती हूं लिखो यह को आप। नोट्स कैसे बनाने हैं वो तुम पे डिपेंड करता है कोयले की खान में रिसने वाली गैस कौन सी है कोयले की खान में मेथेन रिसती है और सुनो मेरी बात सुनो कोयले की खान में अक्सर स्वतः विस्फोट हो जाता है क्यों क्योंकि कोयले की खान में मेथेन निकलती है और बाहर एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट है फिर काम हो जाता है किसका ऑक्सीमेथेन का काम हो जाता है नहीं समझ में आया ऑक्सीमेथेन विस्फोटक का कार्य करती है मैंने कल की क्लास में बताया था आपको अगर ज्वाइन की थी तो ऑक्सीऐसीटिलीन ऑक्सीमेथेन ये हाइड्रोकार्बन होते हैं मेथेन एसिटिलीन एथिलीन कल पढ़ाया था ऑक्सीजन के साथ अक्सर विस्फोटक के रूप में आप पढ़ोगे तो क्यों कौन सी गैस कोयले की खान में स्वतः विस्फोट का कारण बनती है सेंस समझो ना तो मेथेन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मेथेन कन्वर्टेड इन टू ऑक्सीमेन तो ये तुम्हारी मेथेन थी इतने एंगल से तुम मेथेन को पहले कवर करो उसके बाद बात करना ठीक है तो यहां पर फिलहाल धान के खेतों का क्वेश्चन पड़ गया पल्ल

हाँ तो बढ़िया है लेकिन तुम्हें एक चीज बता दू अगर धान के खेत बहुत पुराने हो गए हैं तो ज्यादा घुस घुस के मत जाना दैट इज हार्मफुल फॉर योर रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम उन महिलाओं को धान की उसकी प्रॉब्लम होती है चलो खैर जो काम करती है अक्सर हाँ शुभम शुभम कह रहे हैं मैम मैंने पहले बताया ठीक है बेटा तेरी ट्रॉफी ठीक खुश टॉफी मिलेगी जाओ शिव गोपे नरेंद्र मुंडे वेरी गुड पिंकी पाल गॉड ब्लेस यू सतीश प्रजापति नीरज गौतम सोनू मौर्य वेरी गुड <laughs> किशन वेरी गुड उत्तम कश्यप एथेनॉल नहीं एथेनॉल नहीं मेथेनौल. अब चीजें सुनो मेरी बात ध्यान से हो गया तुम्हारा <laughs> किस में किस मूवी में डायलॉग था हो गया तेरा जा <laughs> चलो हो गया इधर आ विच इज ऑल्सो कॉल्ड, सच बताऊ मैं कभी कभी सोचती तुम्हारे क्लास में मैं सच में खुद भी शैतानी वाला सेशन लेती हूँ ये मैं जानती हूँ मेरे ऐप क्लास वाले बच्चे भी जानते होंगे मैं इतनी शैतानी से उन क्लास में जानती <laughs> सारे सारे तो क्या? क्या तो जिसे कच्ची शराब के नाम से जाना जाता है पुराना क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछता है मेथेनॉल जिसे मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है नोट करो जिसे

अगर हम कहीं पर से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे एल्कोहल ग्रुप से तो यह बन जाएगा सी एच थ्री ओ एच क्या बन जाएगा सी एच थ्री और ओ OH. एच अब यह बन गया मिथाइल एल्कोहल मेथेन से एल्कोहल देन मिथाइल एल्कोहल है ना तो मिथाइल एल्कोहल सी एच थ्री ओ एच जिसे मेथेनॉल के नाम से जानते हैं इसको नोट करो लिखो इसे कच्ची शराब देखो इसे इसे कच्ची शराब इंग्लिश मीडियम आप लिखेंगे पॉइजनस लिकर इसे कच्ची शराब के नाम से कई बार पूछा जा चुका है मैम इसे वुड स्पिरिट क्यों बोलते हैं वो सब ठीक है ये बताओ तो इसे लकड़ी के भंजा कासवन के द्वारा द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज आल्सो वन प्रोसेस टू मेक द मेथनॉल दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द वुड स्पिरिट इसे वुड स्पिरिट के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी बनाने की एक विधि लकड़ी का भंजक आसवन भी है भंजक आसवन के द्वारा लकड़ी का कोयला बनाया जाता है कोयला दो प्रकार का होता है अगर तुमने कोयले का नॉलेज है एक होता है लकड़ी का कोयला और एक होता पत्थर का कोयला पत्थर का कोयला प्रकृति का हमें एक संपदा है लकड़ी का कोयला भंजक आसवन से बनाया जाता है ये सारी चीजें कहाँ से आ जाती हैं जब भंजक आसवन आता है ना फिर अपने आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको भंजक आसवन भी एक विधि है किसको बनाने की मेथनॉल को बनाने की इसीलिए इसे वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं जहरीली अथवा कच्ची शराब जिसकी वजह से इंसान में अंधापन या मानसिक रूप से विक्षिप्त होना और अत्यधिक पी लिया तो ऊपर भी टपक सकता है इंसान ठीक है याद रखना ठीक है तो इसे वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं और जो बच्चे एथेनॉल आंसर दे रहे थे वो याद रखो एथेनॉल को स्प्रिट ऑफ वाइन बोलते हैं नोट करो एथेनॉल को वुड स्प्रिट नहीं स्प्रिट ऑफ वाइन बोला जाता है चलो इधर मेथेनॉल इज मेन कंपोनेंट ऑफ सॉरी मेथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ तो बताओ भाई मेथेन किसका मुख्य घटक है मैं नहीं बताऊंगी आप बताओगे अभी मैं बता चुकी हूं बताओ सतीश प्रदापति हाँ आंसर दो, विपिन, शर्मा, हाँ वेरी गुड सुखी स्टडी आरजी क्या क्या नाम रखते हो तुम लोग आदित्य शर्मा कृतिका गुर्जर नैतिक हुसैन हाँ बेटा आंसर दो विपिन हिमांशु त्रिपाठी वेरी गुड माधव शाक्य आप हमारी सबसे अच्छी मैम हो <laughs> आप हमारे सबसे अच्छे बच्चे हो चलो सुनील वीडियो हाँ ब्यूटी आजकल विराट बाबू कहा गायब चल रहे हैं कृतिका सनी यादव बोथ राइट राइट यू 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 आर आर ऑसम अमेजिंग एंड डूइंग द आई एम प्राउड ऑफ से मीथेन निम्न में से किसका मुख्य घटक है यार कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस इन दोनों का मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं टाइम वेस्ट करना बेकार है आगे बढ़ाओ क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन देखिए अगला क्या है PNG stands स्टैंड पी stands स्टैंड देखो अभी बता रही थी और क्वेश्चन पूछा गया तो आ भी गया आपका क्या क्या बोलते हैं नेचुरल गैस गैस या पाइप्ड नेचुरल गैस है ना तो अभी मैंने आपको बताया था कि पी से क्या तात्पर्य है पी से तात्पर्य है पाइप्ड नेचुरल गैस अभी इसकी हिंदी मत पूछना मेरे से पाइपड <clears> नेचुरल <throat> गैस अगर बहुत ट्रांसलेट करेगा गूगल पे डाल के तो लिख देगा पाइपड प्राकृतिक गैस जैसे सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको लिख देता है संपीडित प्राकृतिक गैस नाउ दैट इज टू यू गेटिंग माई पॉइंट हिंदी मीडियम हिंदी इज नॉट अ बिग टास्क मैम इज ऑल्सो फ्रॉम द हिंदी मीडियम है ना चलो अगला देखो क्वेश्चन <coughs> अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है एसीटोन इज रिलेटेड टू ऐसीटोन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ब्यूटेनोन को बोलते हैं यहां पर पे स्पेलिंग गलत हो रहा है आप सही कर लेना ब्यूटेनोन को बोलते हैं हम प्रोपेनोन को बोलते हैं पेंटेनोन को बोलते हैं को बोलते हैं थोड़ा सा अगर आइडिया है तो आंसर दो नहीं तो कोई बात नहीं फंक्शनल ग्रुप अभी हम कराएंगे आपको हाँ वर्षा चंदेल आंसर दो दिख रही हो बेटा प्रज्ञा शर्मा रितिका पटेल ऋषभ सिंह क्या कह रहे सारे केमिस्ट्री के लैब असिस्टेंट भी जाते हैं क्या एसिस्टेंट? अच्छा ओके <laughs> okay. तूने ट्राई किया होगा यही बात योगेश नागपाल ओके थैंक यू सो मच अमित अजय सिंह कन्हैया आंसर दो प्रकाश प्रकाश दास मैम मेरा नेम प्रकाश जी आंसर दो ठीक है नेम एम सबका हम लेते हैं देखते सब हैं सबको जितना ले पाते हैं डेढ़ इंच की जवान से उतना ले देते हैं चलो इधर और बाकी सबको इधर बसाते हैं कहां प्रोपेनोन क्या होता है एसीटोन? इधर देखो अब मेरी बात ध्यान से। एथ, प्रोप। कलम आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहे थे हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आपको बताया था कि जब तीन कार्बन की इस प्रकार से चेन बनती है तीन कार्बन की चेन बनती है इस प्रकार से देखो ये चेन बनी है इसमें कितने कार्बन है मैथ एथ प्रोप तो ये प्रोपेन हुई क्या हुई प्रोपेन

इस चीज को अब आप ऐसे समझो देखो इस चीज को अब आप कैसे समझोगे ऐसे समझो एक मेथेन ये है और एक मेथेन ये है। अगर आप कहीं पर से भी एक हाइड्रोजन विस्थापित करोगे तो फिर इसका काम नहीं चलेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर एक ही वैलेंसी तो खाली होगी हमें कितनी चाहिए दो कीटोन क्रियात्मक समूह में कार्बन की चार वैलेंसी में से दो वैलेंसी ऑक्सीजन के द्वारा सेटिस्फाई कर ली जाती हैं, दो वैलेंसी कार्बन की जो बचती हैं, वो सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पर से दोनों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे और यहाँ पर कीटोन ग्रुप अपना स्थान लेता है अब इस चेन को जब आप पढ़ोगे तो मैथ एथ प्रोप तो ऐसे समझो दो मेथेन चेन को आपस में जब हम कंबाइन करते हैं तो बीच से दोनों का हाइड्रोजन जब आप रिप्लेस करके और उसमें कीटोन ग्रुप को ऐड करोगे तो एक ऐसी चेन तैयार होगी जिसमें तीन कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे और इसको फिर हम बोलेंगे मैथ प्रोप और कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है ओन जैसे एल्कोहल का होता है ऑल मेथिनॉल प्रोपिनॉल ब्यूटेनोल हम पढ़ाएंगे आपको चिंता मत करो ये एमसीक्यू आ गया तो मैं बताने लग गई तो आपको यहां पर याद रखना है कि तीन कार्बन प्रेजेंट हैं तो प्रोप और कीटोन ग्रुप एड है इस वजह से नोन, है ना तो फॉर्मूला हो जाएगा सीएच थ्री थ्री अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रोपेनोन को क्या बोलते हो इसी प्रोपेनोन को हम एसीटोन बोलते हैं जिसे थिनर के नाम से नेल पेंट रिमूवर के नाम से हम जानते हैं इधर आओ वापस आओ एक काम करो यहां पर तुम नोट करो <coughs> इधर देखो यहां पर बेटा नोट कर लो इधर सुनो और यार क्या कर हैं चलो हाँ हा, यहां पर नोट कर लो को आप नेल पेंट रिमूवर इसी को लिखो इसे कॉमर्शियल लैंग्वेज में एसिटोन के नाम से भी जाना जाता है इसी को हम नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से डेली लाइफ में पढ़ते हैं या यूज करते हैं ठीक है बेटा यहां से आपके अगर हद से हद तक क्वेश्चन गए और फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया था सी एच थ्री C6H3 इज द केमिकल फार्मूला चलो याद रखोगे याद रखना ठीक है इससे बाहर नहीं जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑक्टेन ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइए ये क्वेश्चन शायद मैंने कल भी बताया था तो ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 18 होती है कैसे निकालेंगे CN H2n plus 2 फार्मूला लगाइए और CN की जगह 8 लिख दो एच टू एन की जगह एट लिखो प्लस टू निकाल दो आठ दूनी सोलह और दो अठारह तो ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 18 होगी यहां से आपका कई बार क्वेश्चन बन जाता है ऑक्टेन में पूछ लेगा आपसे आपसे किसी भी हाइड्रोकार्बन में पूछ सकता है अगला देखिए नॉकिंग कंपाउंड यूज्ड इन फ्यूअल इज अ कंपाउंड रिलेटेड टू बताओ भाई कोशिश करो देने की नहीं तो फिर मैं बताती हूँ शेखर कह रहे हैं है, मैम कमेंट बॉक्स पे भी ध्यान दे लो वरना थोड़ी देर में शादी पक्की हो जाएगी अच्छा जी ठीक है <laughs> बढ़िया है मेरे को बुला लेना बस ठीक है बहुत दिनों से अच्छा पार्टी नहीं और अच्छा खाना नहीं खाया और बहुत दिनों से मैंने डीजे पे डांस नहीं किया ठीक है बस तो, तो शादी जो भी करना मेरे को बुला लेना ठीक है इधर देखो शिवम यादव तानिया अवस्थी चलो विपिन बिहारी चंदा हाँ वेरी गुड हाँ नेल पेंट रिमूवर के नाम से डेली लाइफ में पढ़ते हैं वेरी गुड खुशी कन्हैया नीरज वेरी गुड मिस वंदना बोथ ओके 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 संतोष चलो इधर देखो एंटी नॉकिंग कंपाउंड यूज इन फ्यूअल कौन होगा लेड पहले नोट करो फिर आंसर टेक करना फिलहाल आंसर यहां पर लेड है एंटी नॉकिंग कंपाउंड के तौर पर लेड मिलाया जाता है अब कौन मैडम ये क्या है गाड़ी आवाज ना करे आपने अक्सर सुना होगा वेकल्स आवाज करते हैं नॉकिंग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपस्फोटन आवाज आना है ना तो अपोटन रोधी के रूप में ये शुद्ध हिंदी बनती है एंटी नॉकिंग कंपाउंड के तौर पर क्या मिलाया जाता है लेड का प्रयोग किया जाता है ऊपर से सिर्फ किसके लिए ताकि गाड़ी आवाज ना करे गाड़ी आवाज क्यों करती है जब इंजन में अत्यधिक मात्रा में क्या घुस जाती है हवा इंजन में क्या होता है जब फ्यूअल का कंबशन होता है जब ईंधन का दहन होता है किसी भी चीज का जलना एक काम करो एक रिएक्शन को समझो किसी भी चीज का जलना किसके लिए कंपलसरी? किस चीज का कंपलसरी होता है जलने के लिए ऑक्सीजन तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये किसी भी चीज के दहन की रिएक्शन लिखी है दहन अभिक्रिया है अगर आपसे पूछे किसी चीज का जलना कौन सी रिएक्शन है तो किसी चीज का कंबर्शन रिएक्शन जब किसी भी चीज का जैसे अगर हम बात करते हैं जब कार्बन का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन हो जाता है जल जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है वो कंप्लीट कम्बर्शन कहलाता है पूर्ण दहन की अभिक्रिया लिखी इसी प्रकार से आपके वेकल में इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि जब वेकल में पीछे कंबर्शन हो फ्यूअल का लिक्विड फ्यूल का पेट्रोल डीजल तो उस दौरान वहां पर हवा प्रवेश कर जाए लेकिन कई बार ऐसा होता है इंजन में अत्यधिक मात्रा में कंबशन से पहले ही काफी ज्यादा एयर एग्जिस्ट कर जाती है वो आवाज करती है आई बात समझ में तो एयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक प्रकार का रसायन मिलाया जाता है ऊपर से जो कि लेड का यौगिक होता है और ये किसका कारण बनता है इस जब ये यूज तो करते हैं गाड़ी की आवाज तो कम हो जाती है लेकिन फिर जो जब ये एग्जॉस्ट के संग निकलता है तो ये कैंसरकारी होता है याद रखिएगा लेड इज इज द द पार्ट ऑफ आवर एग्जॉस्ट फॉर कैंसर डिजीज कार्सिनोजेनिक अगला क्वेश्चन देखिए विच इज यूज टू मेक थर्मोमीटर इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर के निर्माण में किया जाता है आंसर देने की कृपा करो हाँ बेटा बताओ आदित्य हिंदी में लिखो क्या कह रहे हो आपस में बेटा बच्चे मत बनो यार थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ आप एंजॉय करते हो हंसो खेलो कुछ भी करो मौज मस्ती करो लेकिन ये बकवास नहीं इधर योगेश नकवाल वेरी गुड रागिनी सरोज सूरज सिंह वेरी गुड हेमलता ब्यूटी पांडे जो विराट बाबू हैं आई थिंक सुखी रश्मि जितेंद्र केशव बेहरा वेरी गुड आंसर सही दे रहे हो हाँ क्या कह रहे हो यू और माई बेस्ट टीचर थैंक यू सो मच आंसर दो अमरेश कुमार चलो इधर देखो विच इज यूज टू मेक थर्मोमीटर याद रखना दो प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में और जबकि अगर हम बात करते हैं एल्कोहल की तो एल्कोहल थर्मोमीटर यूज किया जाता है केमिस्ट्री लैब वगैरह में क्यों क्योंकि याद रखो जो पारा होता है वो एक निश्चित तापमान पर जम जाता है पारा जो है मकरी वो एक निश्चित तापमान पर जम जाता है या एक हाईएस्ट हाइएस्टर पे जाने के बाद ये ये बहुत जल्दी किस में में कन्वर्ट कन्वर्ट हो हो जाएगा फिर हो जाएगा फिर गैस लेकिन अल्कोहल इसीलिए यूज किया जाता है जब हमें चेक करना होता है केमिस्ट्री लैब में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही है एक्सोथर्मिक तो बॉडी टेम्परेचर को झेलने के मकसद से तो मरकरी ठीक है लेकिन जब हमें हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर पे डिटरमिनेशन तो केमिस्ट्री लैब में अल्कोहल थर्मोमीटर चलता है याद रखिएगा ठीक है और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं जो माउंटेनियर वगैरह होते हैं पर्वतारोही वो, वो कौन सा पारा ले, कौन सा थर्मामीटर लेके जाते हैं वो एल्कोहल थर्मामीटर रखते हैं साथ में इसीलिए बिकॉज मरकरी जम जाता है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज रिलेटेड टू आंट बाइट इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह चीटी के काटने पर जो अम्ल छोड़ के जाती है उससे संबंधित है तो हमने आपको इतना पढ़ाया था चींटी वगैरह जब काट के जाती है तो बॉडी में क्या छोड़ के जाती है फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है आपको पता है इसी एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं मेथिनोइक एसिड के नाम से जानते हैं ये होता क्या है इसको समझो याद रखो एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप ठीक है सीओ एच इसमें एक वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जब हाइड्रोजन मर्ज होता है ठीक है तो एक कार्बन प्रेजेंट है और कंपाउंड बना है एच सी ओ ओ एच कितने कार्बन प्रेजेंट है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है उच्चारण के अंत में जो वर्ड आता है इसको हम बोलते हैं ओइक क्या बोलते हैं इधर देखो ओइक और एक कार्बन तो मेथेनोइक मेथेन मेथेनोइक यहां से देखो तो इस तरीके से क्या याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इस क्रियात्मक समूह की एक संयोजकता एक वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जब सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होता है तो एक फंक्शनल ग्रुप बनता है एक सॉरी कंपाउंड बनता है जिसे हम मेथनोइक एसिड बोलते हैं फॉर्मूला क्या हो जाता है एच सी ओ ओ एच ग्रुप जिसका सफिक्स होता है ओइक एल्कोहल ग्रुप जिसका सफिक्स होता है ऑल है ना यही तो पढ़ा है नहीं पढ़ा तो आप बताएंगे हम चिंता मत करो ठीक है और इसी तरीके से एल्डिहाइड उसका सफिक्स क्या होता है अल मेथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल तो ये होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप फिलहाल यहां पर आंसर आपका क्या था कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान क्या होती है एक वैलेंसी सीओओएच मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादातर नेचुरल एसिड्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि जैसे कि ना केवल चीटी काटने पर फॉर्मिक एसिड गन्ने के रस को जब हम सड़ाना शुरू करते हैं तो बनता है सिरका और उसमें बनता है एसिटिक एसिड ये रहा सीओ एच तो कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में प्रेजेंट होगा नेचुरल एसिड में प्रेजेंट होगा प्राकृतिक अम्लों में पाया जाता है ज्यादातर क्या पाया जाता है प्राकृतिक अम्लों में पाया जाता है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखो द क्वेश्चन इज विच नोबल ऑयल देखे भाई इसका आंसर कौन देता है वेरी गुड अमरेश कुमार प्रिंसी सनी धर्मेंद्र तनायावस्थी काशी क्लास चलती रहे थैंक यू सो मच मिस वंदना यादव गुरशन आंसर दो पी के सिंह जाटा शंकर सुमित सेंगर वेरी गुड आंसर दो मिस वंदना यादव वेरी गुड शुभम वेरी गुड गौरी राठौर सुनील कुमार कंचन लिरिकल विशाल सिंह सत्यम सिंह गुर्जर रसिया हिमांशु त्रिपाठी आशीष राणा बालकृष्णन शत्रुघ्न चौहान गौरी अच्छा गुरुजी किंग, गुरुजी किंग क्या जी मेरा नाम लो भाई ले लिया चलो आंसर दे जल्दी दे नंदिनी सुरजीत दीपक राहुल प्रेमी थैंक यू सो मच एम एकेडमी क्लासेस ओके जी सुनील क्रिएटर दुबे देखो बेटा आंसर दो विच इज ऑल्सो नोन एज नोबल ऑयल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसकी डिस्कवरी की गई किसके द्वारा अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किसकी अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई है इसकी खोज यहां से क्वेश्चन बनेगा आपसे निम्नलिखित में से किसको टीएनजी की खोज के लिए जाना जाता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की है जिनके नाम पर नोबल पुरस्कार मिलता है कई बार बता चुकी हूं <laughs> तो लसलसा तेल के जैसा पारदर्शी विस्फोटक पदार्थ होता है इट इज अ ट्रांसलूसेंट लिक्विड एक्सप्लोसिव विच इज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबल कैसे बनाया गया इसको जब ग्लिसरीन को नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सिंथेटिक तरीके से इसको सिंथेसाइज का संश्लेषण करते हैं तो बनके तैयार होता है ग्लिसरीन से नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और ये अर्ध पारदर्शी विस्फोटक पदार्थ है जिसको कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है किसके डायनामाइट के निर्माण में तो याद रखिएगा इन दोनों की डिस्कवरी किससे रिलेटेड है एल्फ्रेड नोबल साइंटिस्ट से रिलेटेड है याद रखना इसको नोबल तेल के नाम से भी जाना जाता है पुराना क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है विच इज एक्चुअली नॉट एन एसिड बताओ भाई दे पाओ आंसर तो दो नहीं तो मैं एक्सप्लोसिव करा दूंगी बेटा ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करोगे ना अब ऐसे तुम तो बेटा सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट करवा पाओगे साथ साथ प्रैक्टिस करके तो मजा नहीं आएगा अमृता कुमारी वेरी गुड आदित्य शर्मा वंदना कुमारी शेखर कुलदीप राज काजल कुमारी सिंह साहब बेटा आंसर दो अच्छा उत्तम कह रहे हैं सिर्फ मेरा सही था ओके नहीं उत्तम ये बहुत सही जा रहा है बच्चा मैंने नोटिस किया प्रमोद कुमार वेरी गुड ओके क्या कह रहे हैं खुशी ओके okay, हाँ चलो अभी तुम लोगों से बात करते हैं इधर देखो विच इज एक्चुअली नॉट एन एसिड याद रखो मैलिक एसिड ये सेब में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड ये टोमेटो में एक मतलब टमाटर में प्रेजेंट होता है पालक में उपस्थित होता है प्राकृतिक अम्ल है और अम्ली है ठीक है टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं ये इमली वगैरह में जिसको हम टेमरिंट के नाम से जानते हैं इमली है कच्चा आम है जिसको हम ग्रीन मैंगो बोल सकते हैं राइट उसमें प्रेजेंट होता है ठीक है लेकिन पिक्रिक एसिड किसको क्या बोलते हैं हम याद रखिए ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं याद रखना पुराना क्वेश्चन ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम पर बार बार पूछते आ रहे हैं ये आ, एलपी वालों से भी पूछा गया था असिस्टेंट लोको पायलट की जब भर्ती हुई थी रेलपे रेलवे में तो वहां पर भी पूछा गया था तो याद रखिएगा वहां से आपका ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इनमें से कौन एक अम्ल डायरेक्टली एक अम्ल से संबंधित नहीं है विस्फोटक से संबंधित है ट्राइनाइट्रोफीनोल जिसको हम बोलते हैं टी अगला क्वेश्चन देखिए हु इज रिलेटेड टू डायनामाइट इनमें से कौन डायनामाइट से संबंधित है अभी बताया था टाइम वेस्ट मत करो ट्राइनाइट्रोग्लिसन जिसको किसने डिस्कवर किया है अल्फ्रेड नोबल ने डिस्कवर किया ठीक है याद रखोगे अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से द क्वेश्चन इज अदर नेम ऑफ आरडीएक्स साइक्लोनाइट चिली साल्ट पीटर नाइटर या पिक्रिक एसिड हिंदी मीडियम ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया ये मत सोचना कि ट्रांसलेट नहीं है वहां पर नाइटर जहां पर नाइटर ही बोला जाएगा तो नाइटर ही बोलो ना चलो अगला क्वेश्चन देखो अदर नेम ऑफ आर

और एक विस्फोटक पदार्थ भी होता है ठीक है गन पाउडर जिसको बोलते हैं नाइटर गन पाउडर क्या होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट से संबंधित होता है तो सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक्सप्लोसिव होते हैं लेकिन साइक्लोनाइट अमेरिका में किसे बोला जाता है आरडीएक्स को बोला जाता है फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे आरडीएक्स की फॉर्म का ठीक है आई होप सो इतो इतो सी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं बेटा है छोटी छोटी सी लेकिन ये बहुत आगे तक आपको लेके जाएंगी अश्विनी उपाध्याय लॉर्ड डलहौजी कृष्णा राव साहब वेरी गुड पहाड़न जी आ चुके हैं अभय अंजू ओके अश्विनी मोनिका वेरी गुड कुमारी गोपाल अश्विनी वेरी गुड सही बात है प्रतिमा उमेश हरेंद्र बहुत सही जा रहे हो सबके सब, सब हिमांशु त्रिपाठी ओके okay, चली गई वो मित्री का मित्र क्या मित्री और मित्र लगा रखा है तुम लोगों को अभिनंदन सर ने सबने कह, मित्री और मित्र बता दिया है <laughs> चलो सुनील कुमार नॉलेज कृष्णा अजीत ब्यूटी पांडे जय यादव दीपेश ओके प्रेम ज्योति शंकर वेरी गुड गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच टू मेक द सेशन सक्सेसफुल टू मेक द सेशन स्माइली टू मेक द सेशन हैप्पी एंड टू मेक द सेशन ऑलवेज लर्न है ना कुछ ना कुछ नया सीख के जाने के लिए और हमारे कह सकते हो प्रयासों को सार्थक करने के लिए और हर रोज कुछ नया सिखाने के लिए मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोजाना इसी तरीके से आप लोग प्यार देते हो तो यही लगता है कि देख लो कुछ छूट तो नहीं रहा कि लोगों को शेयर करना हम भूल गए हों टचवुड ये मेरा ईश्वर ही जानता है कि आई एम एवरी डे आई एम ट्राइंग टू मेक इट श्योर दैट एवरी थिंग शुड बी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी थिंग शुड बी कवर्ड इन दिस सेशन एनी थिंग इज लेफ्ट विच इज नॉट इन माई नॉलेज जो कि मेरे हो सकता है संज्ञान से रह गई हो वो भी कोशिश करती हूँ कवर हो जाए ठीक है बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगी कि तब तक इंसान नहीं खाता जब तक उसे खुद भूख नहीं लगती है तो बेटा एक ही चीज मैं बोलूंगी हो सकता है बुरा लगे भूख तो खुद पैदा करनी पड़ेगी मौज मस्ती में सीखो कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता बस उस सब्जेक्ट को देखने का नजरिया हमें चेंज करना पड़ता है एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर हैविंग द डिटर्मिनेशन टू डू ए समथिंग इन आवर लाइफ सो हैव स्माइली faces, हैव कॉन्फिडेंस हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ ठीक है और इसी तरीके से मौज में रह के पढ़ाई करो ठीक है और अपना क्या है ऐसे <laughs> समय दर समय चेहरे क्या है बदलते रहते हैं ठीक है मेरे पिताजी एक गाना गाते थे ठीक है आज वो पंक्तियां आपसे शेयर करूंगी रेडी देखें क्या कह रहे हैं हाँ आज ये लोग ठीक है तो फटाफट क्या गाते थे तो सुनो मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे मैं पल दो पल का शायर हूँ थैंक यू सो मच लव यू ऑल टेक एंजॉय योर इवनिंग सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड थैंक यू